गुड मॉर्निंग एवरीवन। CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अभी भी आंसर की नहीं आया है। ठीक है, लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि कब तक आएगा। फर्स्ट वीक में पूरा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि UG प्रोग्राम का भी 23 जून को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 29 और 30 तारीख तक उनका जो है आंसर की पब्लिश हो गया था। पर ऐसा PG के साथ होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि 30 तारीख तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, आज 9 तारीख हो गया है, आंसर की का कुछ पता नहीं। अगर आज ये पब्लिश करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि संडेज़ को ये जो है आंसर की या फिर ये चीज़ें पब्लिश कर देते हैं, इफ़ इन केस कि आज अगर पब्लिश करते तो 3 दिन तक आपको जो है कम से कम आपको समय दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन पे क्लेम कर पाओ। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई कर पाओ, फिर क्लेम कर पाओ। ठीक है, तो ये आपको समय दिया जाएगा और फिर रिज़ल्ट थोड़ा सा आपके डिले करेगा। पर अभी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आज आ जाएगा, बस ये प्रडिक्शन है कि आ जाएगा, क्योंकि संडे को अक्सर ये लोग दे देते हैं। पर नेक्स्ट अगर ये आज नहीं देते हैं, 2-3 दिन बाद आपका आंसर की आता है, तो आपका रिज़ल्ट फिर जुलाई लास्ट नहीं और अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपके पब्लिश होगा, यानी लेट करेगा आपका रिज़ल्ट। और फिर आपका सेशन भी उसी तरीके से लेट होगा, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी जो है स्लो होता है। फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद आपका अलॉटमेंट होता है, फिर फीस आप पेमेंट करते हो, फिर जाके फिज़िकली आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। ये सारा चीज़ जो है आपके प्रोसेस में होता है। तो यहाँ पर जो है फिर वही बात है, सेशन पूरा लेट है। इन्होंने कोशिश तो की कि ठीक है बैलेंस करने की, बट क्योंकि बीच में जो एग्ज़ाम क्लैश हुआ और फिर उसके बाद कुछ एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा इन्हें, ठीक है, तो उसके बाद ये जो लेट हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। और याद रखिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है रजिस्ट्रेशन आपके सेकेंड वीक से स्टार्ट कर देगी, सेकेंड वीक के बाद से स्टार्ट करने वाली है, यानी उसको रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है अब, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक न्यूज़ आई थी, उसमें साफ साफ बोला गया था कि जैसे आपका BHU का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है बिना के रिज़ल्ट के, उसी तरीके से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। बस ये 15 तारीख के बाद से जो है आपके DU CSES पोर्टल फॉर PG प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पर JNU जो है रिज़ल्ट के बाद करेगा, बहुत सारी और यूनिवर्सिटी जैसे BBAU है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी जैसे HCU है, तो ये सब जो है रिज़ल्ट के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगी। कुछ प्राइवेट ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जाके अपना सीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे जो है डिले नहीं करना चाहते, तो वो आपके प्राइवेट में कर रहे, जैसे गलगोटियाज हो गया, KR मंगलम हो गया, एक दो और यूनिवर्सिटी है जो कि अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट कर चुकी है। 10 तारीख आज लास्ट डेट है, जैसे KR मंगलम का आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का फॉर PG प्रोग्राम। तो जिनको भी अच्छा प्लेसमेंट चाहिए वो कर सकते हैं जाके, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर एडवर्टाइज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कुछ स्टूडेंट को होता है कि उन्हें अच्छे प्लेसमेंट वाला कॉलेज चाहिए, प्राइवेट भी होगा तो भी चलेगा, तो जाके आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, रही बात रिज़ल्ट की, तो अब अगर आंसर की डिले होगा तो रिज़ल्ट भी आपका फॉर श्योर डिले होगा। और हमने पिछले साल भी देखा था कि आपके आंसर की देने के एक महीने बाद आपका रिज़ल्ट आया था CUET PG का। ठीक है, और ऐसे ही जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था तो आपका आंसर की एक महीने बाद आई थी, तो काफ़ी जो है ज़्यादा जो है टाइम लिया था उन्होंने जब एग्ज़ाम कंडक्ट करा था लास्ट ईयर। अब इस साल ऐसा ना हो, क्योंकि सेशन को बैलेंस करने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। पर आई थिंक मुझे जो है मेरे हिसाब से अभी आंसर की दे देना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा मेरे कहने से तो हो नहीं सकता है कि आंसर किया जाएगी, पर अब देखिए आगे क्या होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब भी रजिस्ट्रेशन होगा हम इन्फॉर्म कर देंगे, और भी किसी का भी होगा तो इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, हेल्प करेगा आपके लिए आपके काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, कि कब रिज़ल्ट आया, कब आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट कब आएगा, आपके कौन से यूनिवर्सिटी में आपके स्कोर के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें बता देंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमने एक डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल का लिंक दिया, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी हमारा एक नया चैनल है। ठीक है, सपोर्ट करिएगा, और कोई भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।